नमस्कार, पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट की पीवाई की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न हैं और किस तरह वो इम्पोर्टेंट हैं हमारी परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसने प्रस्तावित किया था। ये चार नाम दिए गए हैं। तो जो 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, यानी कि जो प्रस्ताव में जो जो बातें थी उनको पढ़ा गया था, तो वो प्रस्ताव प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सी आर दास द्वारा ही इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। सी आर दास के संबंध में ये जान लेना भी आवश्यक है कि प्रारंभ में सी आर दास असहयोग के विरोध में थे। वो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका जो विरोध था वो विरोध था शिक्षा के संबंध में। तो पहले उनका विरोध था, लेकिन आगे चल करके जब ये हुआ कि ठीक है हम शिक्षा का विरोध करते हैं, शिक्षण संस्थाएँ जो सरकारी शिक्षण संस्थाएँ हैं उनका विरोध करते हैं, तो उनका जो विकल्प है उस विकल्प के रूप में हम देशी शिक्षण संस्थाएं बनाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं बनाएंगे। तो उनका जो विरोध था सहयोग आंदोलन से वो समाप्त हो गया और स्वयं ही उन्होंने 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सी आर दास द्वारा ही ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, नमक आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, नील आंदोलन है, तो कौन सा आंदोलन ऐसा है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ही महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इससे पहले आप देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे नमक आंदोलन की बात करें तो नमक आंदोलन ये पहला जन आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन दूसरा जन आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन ये तीसरा हो गया, और नील आंदोलन, अगर नील आंदोलन की बात करें तो ये तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, और जो नील विद्रोह हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, और ये जो तीनों आंदोलन हैं ये इसी क्रम में हुए थे। अब अगर बात करें कि जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो वो क्षेत्रीय आंदोलन था और क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित था, कि जो वहाँ के कृषक थे उनको जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और तो वहाँ की जो तीन कठिया पद्धति थी उसके अगेंस्ट वो आंदोलन हुआ था। तो एक क्षेत्रीय समस्या थी। अहमदाबाद तो वो भी एक सीमित, एक क्षेत्रीय समस्या और सीमित उद्देश्यों के लिए था आंदोलन। और आपका खेड़ा आंदोलन भी ये क्षेत्रीय स्तर के ही आंदोलन थे। पहला आंदोलन जिसमें पूरे देश ने प्रतिभाग किया हो और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने प्रदान किया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन कौन सा है, असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन, निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे चार कारण दिए गए हैं और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। देख लेते हैं। पहला है खिलाफत का प्रश्न, दूसरा नमक कानून, तीसरा पंजाब में अत्याचार और चौथा रॉलेट एक्ट। तो देखिए, खिलाफत का प्रश्न जो है बिल्कुल है, खिलाफत के प्रश्न पर ही ये जो आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन, और फिर खिलाफत में ही असहयोग को प्रयोग किया गया, तो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया, तो ये तो बिल्कुल था। नमक कानून, नमक कानून अगर आप देखें तो नमक कानून के अगेंस्ट जो आंदोलन चला था वो चला था 1930 से 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कारण नहीं है, तो यही कारण नहीं था, क्योंकि ये जो कारण बना, ये कारण बना 1930 से 1934 के मध्य चलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पंजाब में अत्याचार, बिल्कुल पंजाब में अत्याचार हुआ था। आप देखिए, जब रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद जिस तरह से पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ और जो घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही थी, जो पंजाब में जिस तरह से मार्शल ला लग गया था, तो वो सारे कारण इस आंदोलन में उत्तरदायी थे। रॉलेट एक्ट,
बिल्कुल उत्तरदायी था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कारण नहीं था, तो नमक कानून असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, शेष ये सभी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के एक कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था एक वर्ष में स्वराज, तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया, दांडी मार्च के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय। तो कब दिया गया था ये नारा, तो ये नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय, जब नागपुर अधिवेशन में सी आर दास के द्वारा, यानी देशबंधु चितरंजन दास के द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा था, तब गांधी जी ने कहा था कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो एक वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। तो ये जो एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया गया, ये नारा कब दिया गया, ये नारा दिया गया असहयोग आंदोलन के समय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, असहयोग आंदोलन के समय ही एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। क्या यहाँ पे देखना है, जो सही नहीं है अर्थात जो असत्य है, जो गलत है, देख लेते हैं। पहला, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी या नहीं थी, आपको विचार करना है। इसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर स्वराज था या नहीं था, इस पर भी आपको विचार करना है। तीसरा है, इसमें बहिष्कार की योजना थी, बहिष्कार की योजना थी या नहीं थी, इस पर आपको विचार करना है। नेक्स्ट, जिन्ना ने इसे समर्थन दिया था। तो ये चार आपके सामने कथन दिए गए हैं, अब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक असहयोग आंदोलन के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही है। 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है और फिर उसके बाद खिलाफत समिति की जो बैठक शुरू होती है, उसके बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और असहयोग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो फाइनली जो ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, ये 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 में 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो 1920 से 22 तक चला, बिल्कुल सही है ये कथन। इसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर स्वराज था, अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया कि जब सी आर दास ने ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया था तब गांधी जी ने कहा था कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो एक वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा, ये भी सही था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल थी। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की योजना थी। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का प्रावधान था, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी जो भी थे उनका बहिष्कार था। बहिष्कार इस आंदोलन का एक हिस्सा था, या बहिष्कार की योजना इस आंदोलन का एक अंग थी, तो ये भी सही है। जिन्ना ने इसे समर्थन दिया, ये गलत है। जिन्ना ने इसको समर्थन नहीं दिया था, बल्कि जिन्ना ने जब खिलाफत का मुद्दा उठा था तो जिन्ना ने गांधी को भी ये सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। जो गांधी को सलाह दे रहे हैं वो स्वयं क्यों शामिल होंगे, तो जिन्ना स्वयं शामिल नहीं थे, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी को भी एडवाइस किया था कि आप इस तरह का आंदोलन मत शुरू करिए क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। तो यहाँ पर जिन्ना ने इसे समर्थन नहीं दिया था, ये कथन गलत है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है तो डी कथन ही असत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जिन्ना ने इसे समर्थन दिया था, ये कथन असत्य है। जिन्ना ने इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था, विरोध किया था। साथ ही साथ जिन्ना ने असहयोग के मुद्दे पर ही राष्ट्र कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जो असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस छोड़ने वाले जो नेता हैं, उनमें से जिन्ना एक प्रमुख हैं कि असहयोग आंदोलन की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद उनमें से कौन से कथन सही हैं उनका आपको चयन करना है। पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ये जितने भी कथन हैं, ये कथन जो आपके संबंधित हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल असहयोग आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई,
जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, कांग्रेस प्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल बनी, बिल्कुल वृद्धि हुई। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ ही इसीलिए किया था कि खिलाफत का जो मुद्दा है उसमें अगर हम साथ देंगे तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुअवसर के रूप में इस आंदोलन को देखा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जब इतना बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया तो जनता कहाँ डरने वाली थी। जब जो असहयोग था तो असहयोग में जो सरकारी चीजें थी उनका बहिष्कार भी शामिल था। तो अब जनता बहिष्कार पे उतर आई है, अगर उसको डर ही हो तो क्यों बहिष्कार करेगी। तो जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ब्रिटेन की सरकार किसी भी तरह की कोई रियायत देने को राजी नहीं हुई थी इस आंदोलन में, बल्कि ये आंदोलन एक चूंकि अहिंसक रूप से चल रहा था और जब चौराचौरी में एक हिंसक घटना हो जाती है इसके वजह से आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को कोई राजनीतिक रियायतें दी हों। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। एक दो तीन बी विकल्प में आ रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, एक दो तीन सही कथन है, जबकि चौथा कथन जो है ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी के द्वारा कौन सी उपाधि वापस कर दी गई थी, क्योंकि उपाधियां वापस करने का भी एक दौर चला जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कौन सी उपाधि थी, हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कैसरे हिंद। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिस उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वापस कर दिया था। जब बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार में उपाधियों का भी बहिष्कार शामिल था, तो उपाधियों के बहिष्कार के क्रम में ही गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें कोर्ट कचहरी का भी बहिष्कार था। जब कोर्ट कचहरी का बहिष्कार था तो जो वकील हैं, वकील कोर्ट जा नहीं रहे थे। अब जब कोर्ट का ही बहिष्कार है तो वकीलों को कोर्ट में क्या काम था, कोई काम नहीं था। तो वो जो वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन के दौरान, वो कौन थे ये पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय हैं, तेज बहादुर सप्रू या फिर चितरंजन दास हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चितरंजन दास। असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी, बहुत समृद्ध वकालत छोड़ी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वकालत छोड़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो थे चितरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान जो सर्वप्रथम व्यक्ति जिसने वकालत छोड़ी वो चितरंजन दास थे। और जब कोर्ट कचहरी का बहिष्कार हुआ तब ये हुआ कि भाई अगर कोई भी मामला है तो उसका कैसे निपटारा होगा, तो ये हुआ कि आप लोकल कचहरी लगाइए, पंचायतें करिए, अपनी समस्याएं अपने स्तर पर ही सुलझा ली जाए और हम विदेशियों की या ब्रिटिश सरकार की जो भी एजेंसीज हैं हम उनका कोई सहारा ना लें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चितरंजन दास ही सर्वप्रथम वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो यहाँ पर चार नाम दिए जा रहे हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नेता था जिसने समर्थन तो दिया था असहयोग आंदोलन को लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सका, यानी कि परिणाम देखने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, चितरंजन दास हैं, कौन है इसमें से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। 1920 में आंदोलन शुरू होता है और 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक का पूर्ण समर्थन था इस आंदोलन के लिए, लेकिन उनके ये आंदोलन अपने चरम पे पहुंच पाता, प्रारंभ हो करके इसका कोई रिजल्ट निकल पाता उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन से एक सभा की गई और असहयोग आंदोलन का
प्रारंभ किया गया और तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया। तो इसमें जो नहीं देख पाए थे इसके परिणाम को, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था गांधी जी ने, तो ऐसी कौन सी घटना हो गई थी? यहाँ पर चार घटनाएं दी हुई हैं, कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड है, चौरा चौरी कांड है, जलियांवाला बाग कांड है, मुजफ्फरपुर कांड है। तो कौन सा इसमें से इस प्रश्न का सही जवाब है? तो देखिए, जो काकोरी कांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। चौरा चौरी कांड ये 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था। और जो मुजफ्फरपुर बम कांड है ये आपका 1908 की घटना है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि क्या आंदोलन कब शुरू हो रहा है, 20 में शुरू हो रहा है। तो 20 के ये 19 तो होगा ही नहीं, 1908 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया? तो आंदोलन पता है 1922 में वापस लिया गया, तो ये भी घटना नहीं होगी। तो यही घटना बचती है कि चौरी चौरा कांड की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो किस घटना की वजह से आंदोलन वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड की वजह से। और कब हुआ था ये कांड? ये 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है और इसमें हिंसा हो जाती है। और जबकि गांधी जी अहिंसक तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, हिंसा होने पर वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन वापस लिया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी को एक हिंसक घटना हो जाती है। तो 12 फरवरी को जब वो आंदोलन वापस ले लेते हैं, उसके बाद 24 फरवरी 1922 को दिल्ली की जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है उसके द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये चार व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, किसने वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो निंदा प्रस्ताव? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने ही ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है कि 24 फरवरी 1922 को गांधी जी के विरुद्ध असहयोग आंदोलन वापस लेने को लेकर के निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने किया? डॉक्टर मुंजे ने। सुभाष चंद्र बोस का भी एक स्टेटमेंट आया था और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब ये जो असहयोग आंदोलन जिस तरह से वापस ले लिया गया, तो इन्होंने आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी है। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की वापसी को क्या कहा है? इन्होंने राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी है। और ये कहाँ कहा है इन्होंने राष्ट्रीय इसको, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में कहा है। ये पुस्तक भी पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है या मैचिंग करने के लिए आ जाती है। तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो है सुभाष चंद्र बोस की, और उसी में कहा है असहयोग आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय विपत्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, डॉक्टर मुंजे द्वारा ही निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। यहाँ पर चार घटनाएं हैं, अब इसने सही क्रम बताना है और क्रम वाले ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग उसको देख ले रहे हैं कि किस क्रम में ये घटनाएं हुई हैं। 1 2 3 4 तो सबसे पहले क्या घटना होती है? चौरी चौरा में पुलिस कांड सबसे पहले होता है। फिर उग्र, जब चौरी चौरा में पुलिस कांड होता है तो उसी से जो जनता है वो उग्र हो जाती है। उस गोली कांड के विरुद्ध ही चौरी चौरा में पुलिस थाने को जलाती है जनता। तो इसके बाद में क्या होती है? दूसरे नंबर की घटना। फिर जब थाने को जलाया जाता है
एक हिंसक घटना हो जाती है, तब गांधी जी आंदोलन वापसी की घोषणा करते हैं। तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता है। और जब गांधी जी आंदोलन स्थगित कर देते हैं, एक आंदोलन चल रहा था, पूरा जन समूह एक साथ में है, और जब अचानक से स्थगन कर दिया तो बहुत सारे लोग निराश हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में गांधी जी कमज़ोर पड़ गए और आसानी से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे लास्ट में जो घटना होती है वो है गांधी की गिरफ्तारी। तो इसका जो सही क्रम है वो है 1, 2, 3, 4, जिस ऑर्डर में दिए हैं इसी ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो आप लोग इसी तरह से समझ लीजिएगा कि ये घटनाएं जिस ऑर्डर में हैं इसी तरह, और बहुत अच्छा सा सीक्वेंस है। जब पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई उसी से जनता उग्र हुई, जनता उग्र हुई उसने थाने को जला दिया, थाने को जला दिया हिंसा हो गई, गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, आंदोलन स्थगित कर दिया, सरकार को मौका मिल गया, सरकार ने तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत आसान है इस सीक्वेंस को सही से सेट करना। तो इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ये है, यही सही ऑर्डर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया और किस समय, असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन के समय जो बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, स्वामी विद्यानंद। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल किससे जुड़े हुए हैं, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसके लिए गांधी जी को बुलाने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो नील है उनको परेशान करते हैं कि आपको इतनी भाग पर नील, जबरन जो नील की वहां पर उपज कराई जाती थी, तो उसके विरोध में एक सत्याग्रह करने के लिए जो गांधी जी से अनुरोध किया था, अनुग्रह किया था 1916 में, वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह को मान करके ही गांधी जी चंपारण जाते हैं और एक सफल आंदोलन वो संचालित होता है। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1917 के चंपारण में ही होता है। तो राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित हैं, चंपारण सत्याग्रह से। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के। तो ये जो प्रश्न है या जो पिछला प्रश्न था कि बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया, ये स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार 7th फेज की जो टीचिंग वैकेंसीज निकली हुई हैं या बिहार लोक सेवा आयोग की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन अगर कोई जानकारी हो जा रही है तो कोई नुकसान तो है नहीं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी, इस प्रश्न का सही जवाब है बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ उनके भाई थे, दोनों लोगों ने ही वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पर बिहार के जिस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी उसका सही जवाब है बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के से चयन करिए। तो यहाँ पर तीन घटनाएं दी गई हैं और आपको चयन करना है जो नीचे कूट दिए गए हैं कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई। तो देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब होता है, ये होता है 12 फरवरी। अब 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद में बरदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाता है। पहले प्रस्ताव करेंगे ना, किसी भी कार्य को करना है तो क्या होगा, पहले प्रस्ताव होगा। तो पहली घटना क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, वन होगा, वन के बाद होगा थ्री और फिर होगा टू, 1, 3, 2, 1, 3, 2 सी विकल्प में आ रहा है
और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पर अब देखिए चौरी चौरा कांड हुआ, इसलिए आंदोलन को वापस लेना था। तो जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन वापसी से पहले कोई प्रस्ताव भी तो रखेंगे, तभी तो आंदोलन वापस लेंगे। तो ये बरदोली प्रस्ताव होता है, बरदोली प्रस्ताव के द्वारा ही आंदोलन के स्थगन की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। ये 15 प्रश्नों के माध्यम से जो चर्चा की गई है, लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। और व्याख्याओं को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बार बार ये सेशन में आपसे कहते हैं कि व्याख्याओं पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपके जो प्रश्न हैं एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से गलत नहीं होंगे। आसानी से गलत का मतलब, अगर आयोग चाह ले कि ये प्रश्न आप इसका सही जवाब नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक आध प्रश्न वो ऐसे डाल देता है कि जो मुश्किल पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो किसी और के लिए भी कर पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, पर इतना आसान नहीं होगा। इसलिए प्रश्न देखिए, जो उनके उत्तर हैं उनको समझिए, साथ ही साथ व्याख्याओं के आधार पर जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर आपकी नज़र पड़नी चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक सुचारू रूप से और सही गति और दिशा के साथ आगे बढ़ा सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में, और अगले सेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न देखेंगे और कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे नेक्स्ट सेशन में आपके कवर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।